लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। बागपत में साधु के साथ हुई लूट का विरोध करने पर मारपीट के मामले में देर रात नागा साधु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़का गांव का है, जहां मंदिर के पुजारी विद्यापुरी महाराज जी के साथ गांव के ही चार लोगों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था और विरोध करने पर साधु को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। घायल साधु ने गांव के ही चार लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज करवाया था। उसी समय से साधु ने अपनी जान बचाते हुए बागपत के भूतनाथ मंदिर में शरण ली थी। इतना ही नहीं, साधु पर आरोपी बदमाशों ने बागपत में भी जानलेवा हमला किया था। मामले को लेकर बागपत के साधु संत एसपी के दरबार पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई थी। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उधर साधु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उनका पार्थिव शरीर बागपत के भूतनाथ मंदिर में लाया गया। वहीं साधु संतों ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का भी आरोप लगाया है। तो ये थी बागपत से हमारे संवाददाता अंजू चौधरी की रिपोर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लाइव खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।